अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बवाजिर। आज मैं जेलपल्ली म्यूनसिपल एजुकेशन मिनिस्टर के एरिया में और रंजीत रेड्डी एमपी के एरिया में हूँ, सविता रेड्डी के एरिया में हूँ। जेलपल्ली म्यूनसिपल 5 नंबर वार्ड में हूँ, जो यहाँ की मोहतरमा काउंसलर लेडीज है और वो नुमाइंदा बोल रहे। नुमाइंदा तो कोई आर्टिकल में कहीं नुमाइंदा बोलने का नहीं है, उसके खिलाफ में भी मैं हाईकोर्ट जाऊँगा और कलेक्टर को भी दूंगा। नुमाइंदा कॉरपोरेटर, नुमाइंदा काउंसलर जो बोल के आ रहे हैं उसके ऊपर भी मैं केस बुक कराऊंगा, कानून में वो नहीं है। आज मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मस्जिद हमशिया है, ये शमशिया बिस्मिल्लाह कॉलोनी में जो 5 नंबर वार्ड के काउंसलर बड़े बड़े बातांग कर रहे हैं, वो लेडीज़ के शोर करते। और कल रात में शाहीन नगर की ऑफिस में इनू यहाँ के नुमाइंदा काउंसलर और चेयरमैन बुला के हमारे दोस्त को डरा था, मेरे साथ फिर रहा बोल के। हाँ कहीं को गया वहाँ से ऑफिस करने, वहाँ कहीं को गया बोल के डरा रहा। अरे सुन, समझा रहा हूँ, अगर किसी को मेरे साथ वालों को डराएंगे अल्लाह की कसम गली गली हो जाएंगे तुम लोग, याद रखो। अब तो मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, तेरे खून दवाखाने में तेरे को भी मालूम बदवा किसको किसकी लगी, 3 आदमियाँ किसके खून दवाखाने में वो भी मालूम। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि काम कराना, काम जब तक नहीं कराएंगे जलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर शेख सईद बवाजिर काम करता रहेगा, याद रखो। शेख सईद बवाजिर काम करने से ना रोकता ना किसी को रोकने देगा। और यहाँ पे मस्जिद शमशिया का नहीं, ये आलम है 5 नंबर वार्ड का, पूरा खराब आलम है सिंधिया। और डरता किसी से शेख सईद बवाजिर नहीं, काम करता और करता रहेगा। एजुकेशन मिनिस्टर को बोल रहा हूँ और रंजीत रेड्डी एमपी जलपल्ली म्यूनसिपल दोनों को भी बोल रहा हूँ, एरिया के अंदर आओ, दौरा करो, देखो। मकबरियाँ करने से कुछ नहीं, अल्लाह का ने जवाब देना है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो अल्लाह देखने वाला है, रोजे में हूँ। अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो वो भी अल्लाह देखने वाला है। जो सच है वो बता रहा हूँ, बताते रहूँगा।